हम कहाँ जा रहे हैं? सील पेट लगा लो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जस्ट चिल, तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे बताओ ना। कम ऑन, मजा नहीं आ रहा। ये कौन सा रास्ता? वेरी गुड, तुमने तो रास्ता भी पहचान लिया। अब तो और ज्यादा मजा आएगा। अरे एंजॉय द राइड, इतना क्यों डर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? आराम से चलाओ ना। और ज्यादा मजा आएगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहीं उतार दो। जवानी का जोश, लेकिन अगर उसके साथ होश ना हो तो फिर उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, और कौन चुकाता है ये कीमत, और किस किस तरह से चुकाता है। युवा जोश में होते हैं, खतरों से खेलना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अक्सर बहुत से युवा जोश में अपना होश खो बैठते हैं। जी हाँ, ये कड़वी सच्चाई है कि इस तरह की रैश ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग और बेवजह झगड़ों के ज्यादातर मामलों में युवाओं की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है, और अक्सर इसकी कीमत चुकाते हैं बेगुनाह। हमारे देश में ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस हर साल 12-13% की दर से बढ़ रहे हैं। हम तो यही उम्मीद और यही गुजारिश करते हैं कि हमारे नौजवान हर बार अपना जोश दिखाने से पहले जरा संयम से काम लें, हालात को समझें, सोचें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। चाबी पायदान के नीचे रखना छोड़ दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं? जानती नहीं तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद तुम लोगों को किस तरह से मैंने बड़ा किया और किन किन हालातों का सामना किया? और तुम? माँ छोड़ो ना, प्लीज जाने दो। नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन है? पूरा दिन घर में बैठ के मैं जिंदगी बर्बाद करती रहूं, अपने पास के बारे में सोचती रहूं? क्या कहा तुमने? नहीं, चल। क्या कहा फिर से तो कहना। मां प्लीज चल। मेघा, कभी तो मां के बारे में सोचा करो, कितनी चिंता करती है वो हमारी, कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने हमारे लिए। मैडम, इस घर में ना एक बोरिंग इंसान काफी है, और मैं तुम्हारे तरह तो बन नहीं सकती हूं। कभी हमारे लिए भी वक्त निकाला करो। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि अपने फ्रेंड से मत मिलो, पर इतनी महंगी घड़ी मेघा के पास कहां से आई? माँ,
माँ माँ कहाँ है? माँ सत्संग गई है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आप ही ने कहा था ना घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, तो मैंने सोचा कि लंच बना दूं। राइस, आलू पालक, सैलेड, ये सब मैंने बनाया। बट हाँ, मैंने स्वीट डिश विशेष कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी दीदी है इतनी क्यूट। अच्छा सुनो, I'm sure आप बहुत थक गए होगे, खाएं? सच में तुमने बनाया? हाँ दी, मुझे बहुत भूख लगी, खाएं? चलो। खाना तो बहुत अच्छा बना, पास। थैंक यू दी। वैसे आपका वो बॉयफ्रेंड कैसा है? बॉयफ्रेंड? कौन? वही सुप्रति कुछ करके है ना, जो हमेशा चिपका रहता है आपसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कलीग है। वैसे ये बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? दिस ऑल बुलशिट दी, बॉयफ्रेंड नो। एक्चुअली अच्छा दी, वो एक्चुअली मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे। 5,000 रुपये? इतने सारे पैसे हम क्या करना है? अब इतना लैविश लंच बनाया है तो टिप तो बनता है ना। रियली? एक बात बताऊं, इतना महंगा खाना मैंने पहली बार खाया। दी वो एक्चुअली बात ये है ना कि कल एक दोस्त की पार्टी है तो आने में लेट हो जाएगा। ठीक है। क्या जरूरत थी उसे परमिशन देने की? क्या सोच कर? माँ आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? माँ पार्टी में थोड़ी देर हो जाती है और मेघा आप कोई बच्ची तो नहीं है ना। तू उसे अभी फोन कर, इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं आई। एक मिनट। हेलो, क्या क्या हुआ? आईसीयू से बॉडी अभी निकाली है। कैसे कैसे हुआ ये सब? मेघा पार्टी से जल्दी चले गए थे, कह रहे थे कि घर जल्दी लौटना है। हमसे पार्टी में थे कि हमें अचानक फोन आया कि मेघा का रोड एक्सीडेंट हो गया है। लोग कह रहे थे कि मेघा 15 मिनट तक रोड पर ही थी। आप ही ने कहा था ना घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो, तो मैंने सोचा कि लंच बना दूं। कल एक दोस्त की पार्टी है तो आने में लेट हो जाएगा। अमित की पार्टी थी? कहाँ है वो इस वक्त? सर पुनीत काफी परेशान है, वो इतने शौक में है कि उसने अभी तक किसी से बात तक नहीं किया। उस लड़की को अकेले जाने दिया, वो भी इतनी रात को? इरिस्पॉन्सिबल किड्स। ऑटोप्सी होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बॉडी रिलीज हो जाएगी। आई एम सॉरी। आंटी प्लीज अपने आपको कंट्रोल कीजिए, संभालिए अपने आप।
एक जवान मौत पर हमेशा ज्यादा शोक होता है, खासकर अगर वो एक भयानक एक्सीडेंट में गई हो। यहाँ आपने देखा कि एक लड़की की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जरा सोचिए उसकी माँ और बहन पर क्या बीती होगी। यहाँ एक नहीं तीन तीन जिंदगियां तबाह हुई थी। लेकिन क्या ये वाकई एक्सीडेंट था या फिर इस घटना का कोई और पहलू भी था? उस कार के बारे में कुछ पता चला? उस दिन आपकी बहन ने पार्टी के बाद कहीं और जाना था। आपकी बहन का एक्सीडेंट बीच सड़क में हुआ। अब सवाल ये उठता है कि वो सड़क क्यों क्रॉस कर रही थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज पूरे दो दिन हो गए हैं एक्सीडेंट को, आप कार को ढूंढने की बजाय आलतू फालतू सवाल पूछ रहे हैं। देखिए आप मेरी बात को समझिए, वहां से ऑटो रिक्शा स्टैंड कुछ ही दूरी पर था, तो फिर मेगा को रोड क्रॉस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। लेकिन उसकी बॉडी बीच सड़क में पाई गई। अब बॉडी खुद चलकर तो वहां पहुंचेगी नहीं, शायद मेगा खुद गाड़ी के सामने आ गई। क्या बकवास है ये, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कार का पता नहीं लगा पाए तो कुछ भी कहेंगे, फालतू के सवाल जवाब। आप इन्हें समझाइए, यहाँ पुलिस स्टेशन में चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप इन्हें ले जाइए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो लोग कुछ भी बोलेंगे और मैं सुन लूंगी। कहते हैं कि मेरी बहन ने खुद। नमस्ते दीदी। आकाश तुम आओ। कड़ा, ये तो मेघा का है, तुम्हें कहाँ से मिला? दीदी वो उस दिन पार्टी में मेघा के हाथ से निकल गया था। हाथ से निकल गया था? ये तो उसे बहुत टाइट है, उसके हाथ से निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पता नहीं दीदी, लेकिन मुझे तो वहीं पे मिला था। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, मुझे बताओ उस दिन रात को मेघा पार्टी से इतनी जल्दी क्यों निकल गई थी, केक कटिंग से भी पहले? कुछ खास नहीं दीदी, उसने कुछ बताया नहीं, बस वो ऐसे ही चली गई थी। उसने सड़क क्यों क्रॉस की थी? पुलिस भी यही सवाल पूछ रही थी। बोलो आकाश, चुप क्यों हो? दीदी उस दिन मेघा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसने सुसाइड किया था। सुसाइड? सुसाइड क्यों किया था? मैंने मेघा और पुनीत को कितनी बार झगड़ने से मना किया, पर वो सुनते कहाँ थे। पुनीत? ये पुनीत कौन है? वो मेघा कब? मेघा का बॉयफ्रेंड? पर उसने तो मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। पुनीत मेघा से बहुत प्यार करता था दीदी, लेकिन फिर उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे और फिर उस दिन। ये तेरा हाथ छोड़ो, तुम इतने बड़े लूजर हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। You know what, you're pathetic. तुमसे बात करना ही बेकार है। जानता हूँ तू कैसी, तुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। जहाँ तुझे ज्यादा पैसे और महंगे गिफ्ट दिखते हैं तू उधर ही निकल लेती है, और आज तू मेरे साथ है सिर्फ पैसे की वजह से। किसी गाड़ी के नीचे। I'm done with you. अरे जाजा, तू इसी लायक है। गाड़ी के नीचे। जाने के बाद मैंने उसे कई बार कॉल किया, मनाने की कोशिश की, लेकिन मेघा कभी किसी की सुनती है, और उसके बाद फिर वो फोन आया। निशा, कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुनीत को इस वक्त जेल में होना चाहिए, उसी की वजह से मेरी बहन। नहीं दीदी, जैसा आप सोच रही है पुनीत वैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो एक अच्छा इंसान है, इनफैक्ट वो सब लोगों की मदद करता है। आकाश हटो मेरे रास्ते से। नहीं दीदी, मैं सही कह रहा हूँ, जब मेरा क्रिकेट करियर खत्म हुआ था इंजरी की वजह से, तब सिर्फ पुनीत ही था जिसने मुझे जॉब ऑफर किया। एक बार तो सोचिए वो आपकी बहन से कितना प्यार करता है। दीदी, दीदी रुको, ले आओ इसे।
तुम नहीं मारा ना मेरी बहन को? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। तुम्हारी बहन के साथ जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। अरे वो इसी लायक थी। और अगर यकीन नहीं होता तो जाकर उस राकेश फोटोग्राफर से पूछो, वो बताएगा तुम्हें कि क्या चल रहा था उन दोनों के बीच में। अरे वो भी छोड़ो, आकाश उसी से पूछ लो कि उस दिन तुम्हारी बहन को हम दोनों ने उस गंदे से सीहोर्स होटल में देखा था कि नहीं। तब शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी बहन की असलियत क्या थी। हद में रहिए, ले जाओ इसे। अब हमें घर चलना चाहिए। मुझे अभी अभी आकाश से मिलना है। क्रिकेट से बहुत प्यार है। क्यों? अब तो आप खुश है ना पुनीत को जेल भिजवाकर? मैंने कहा था आप लोगों से कि वो एक अच्छा इंसान है। अरे वो आपकी बहन से पागलों की तरह प्यार करता था। अच्छा, इसलिए उसने मेरी बहन की जान ले ली? नहीं, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका फैसला कोर्ट करेगी, जो सही है वही होगा। मेरी बहन की जान गई है, अगर तुम्हारे दोस्त का उसमें इतना सा भी हाथ है ना, तो उसे सजा मिलकर रहेगी। मैं दिलवाऊंगी उसे सजा। फेयर प्ले तो होना चाहिए ना, तुम तो स्पोर्ट्समैन हो, समझ सकते हो। हुआ करता था, अब नहीं। आकाश हमें ये जानना है कि उस दिन पुनीत और मेघा के बीच में आखिर ऐसा हुआ क्या था, क्यों मेघा ऐसे? ये सब कुछ उस राकेश की वजह से हुआ है, वही है ये सारी मुसीबत की जड़। राकेश? हाँ राकेश, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद मेघा को एक फ्री का पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिला, वो भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से। वाह, ब्यूटीफुल मेघा, दैट्स नाइस। वाह, दिस वाज अमेजिंग। That's great. A little bit problem. इसको अपने बालों को थोड़ा सा पीछे करो और ये जो zip है ना थोड़ा सा नीचे करो। ओए, क्या है सब? तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? अबे तू है कौन? हम्म? तू है कौन? ये मेरा स्टूडियो है, फोटोग्राफी कर रहा हूँ। निकल यार। देख मन की तो। पुनीत जस्ट स्टॉप इट यार। पुनीत मेघा को लेकर थोड़ा पॉजेसिव जरूर था, लेकिन उसने मेघा को मना किया था फोटोशूट के लिए। फिर न जाने उसको कहां से पता चला कि मेघा छुप छुप कर राकेश के स्टूडियो जा रही है। ग्रेट, एंड अ लिटिल चिन डाउन, जस्ट मूव योर हेयर एंड लेट अस सी यू बैक। दैट्स ग्रेट, दैट्स परफेक्ट। क्या हो रहा है सब? पुनीत मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बहन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। हाँ दीदी, लेकिन पुनीत को भी इसी बात का बुरा लगा था, इसलिए उसने माफी मांगने के लिए मेघा को एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा सॉलिटेयर गिफ्ट किया।
पुनीत कहाँ है? क्या कर रहा है ये सब हा? और कितनी पिएगा? बस कर थोड़े से, बस करो। वो कहती है कि उसने वो सोलिटेयर खो दिया। आगे समझती क्या है यार वो अपने आप को। अरे यार तो कुछ भी सोचने लग जाता है, हो सकता है उस बेचारी से सोलिटेयर सच में खो गया तो। नहीं नहीं, या तो उसने गिफ्ट कर दिया या फिर बेच दिया उसने। अरे बस कर यार। पुनीत को कहीं से पता चला कि मेघा ने एक बहुत महंगा कैमरा खरीदा है, तो उसे लगा कि ये कैमरा जरूर उसने राकेश के लिए लिया होगा। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और गुस्से में पुनीत का दिमाग ठिकाने नहीं रहता। और फिर एक दिन पुनीत ने मुझे सीहोर्स होटल के बाहर बुलाया। पुनीत यहां क्यों बुलाया? तू रुक और देख, मुझे पता चला है मेघा राकेश के साथ इस होटल में आई है। अरे यार तू फिर शुरू हो गया, मेघा ऐसी जगह पे क्या करने आएगी? यार तू रुकेगा? मेघा लेकिन उसके साथ वो आदमी कौन है? यहां कर क्या रही है वो? देखा, कहा था ना मैंने। I don't believe यार, मेघा ये सब। पुनीत बहुत ही ज्यादा गुस्से में था लेकिन उसने मेघा को कुछ नहीं कहा था। लेकिन उस बर्थडे वाली रात को जब मेघा उसके लिए गिफ्ट लेकर आई, पुनीत बस अपने पे काबू नहीं रख सका। इनफैक्ट हम सब उसे काबू में नहीं कर सके। दीदी मेघा मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं नहीं मान सकता कि ऐसी जगहों पर वो, लेकिन जब मैंने खुद इन आंखों से उसे देखा वहां पर। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। राकेश का स्टूडियो का है, मुझे अभी उससे मिलना है। पुनीत पागल है वो, पागल, उसे ना पागल खाने में होना चाहिए। मेघा और मेरे बीच तो कभी कुछ था ही नहीं। पुनीत हर वक्त अपने दिमाग से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बताता था। तुम्हारे और मेघा के बीच में कुछ भी नहीं था? नो कुछ भी नहीं, he was mad. और उसी ने तुम्हारी बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया होगा। एक दिन तो वो सीधे मेरे स्टूडियो ही आ गया और सीधे मारपीट करने लगा। और वो कैमरा जो मेघा ने तुम्हें गिफ्ट दिया था? कैमरा? किस कैमरे की बात कर रहे हैं? मेघा ने आज तक मुझे कोई कैमरा गिफ्ट नहीं किया। पुनीत को कहीं से पता चला कि मेघा ने एक बहुत महंगा कैमरा खरीदा है, उसे लगा कि ये कैमरा जरूर उसने राकेश के लिए लिया होगा। पुनीत पुनीत तो हर वक्त मेघा पे शक करता रहता था। अरे मेरा बस चलता तो मैं तो उसे मार ही देता। He needs to be punished. हेलो क्या पुनीत जेल से छूट गया? थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब आपने इन्हें छोड़ क्यों दिया? उसने मेरी बहन को इंटरोगेशन हो गए, वो बेकसूर है। बेकसूर? आपने FIR क्यों नहीं दर्ज की? किस बेसिस पर? हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। राइट, वो बड़े बाप का बेटा है, उसके बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, तो एविडेंस कहां से मिलेंगे, है ना? आपको जो समझना है समझिए। कानून प्रशासन सभी ताकतवर के आगे घुटने टेकते हैं। पैसे वाले चाहें तो सच्चाई को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। और इस सब के बीच एक मासूम लड़की की मौत किसी फाइल में बंद एक कोने में दबी पड़ी रहती है हमेशा के लिए। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, ये सब तो हमने पहले भी देखा है। मुद्दा यही है
कि ये सब हमने पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है ये बात कि एक रसूखदार और ताकतवर अपराधी बड़ी आसानी से कानून के शिकंजे से बच निकलता है। ऐसे हालात में भला कोई न्याय की उम्मीद कैसे करे। दिशा का रास्ता बेहद कठिन था, लेकिन दिशा भी हार मानने वालों में से नहीं थी। चलो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली डोंट वरी। यहां से तो छूट गए तुम, लेकिन देखना, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आखिरी सांस तक तुम्हें सजा दिलवाने के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी बहन लॉयल थी और उसने इसे प्रूव करने के लिए अपनी जान तक दे दी, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तुम जैसे शख्स से प्यार किया। देखना, ये बात तुम्हें हमेशा सताती रहेगी, तुम्हारे मरते दम तक। मेरी बहन को मार दिया। संभालो बहन। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, सजा दिलवा के रहूंगी बहन को। हाई कोर्ट में अपील करूंगी। उस पुनीत पर मैं अबेटमेंट टू सुसाइड और मर्डर का केस डालूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मेरी बहन को इंसाफ मिलना ही चाहिए। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तुझे खोना नहीं चाहती। इससे तो अच्छा होता तू मुझे जहर दे दे, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी है कर लेना। माँ, मेघा मेरी बहन थी, उसे न्याय तो मिलना चाहिए ना। क्या ऐसा करने से मेघा वापस आ जाएगी? नहीं, मेघा वापस नहीं आएगी। पर इसका क्या मतलब, मैं उसके लिए लड़ना छोड़ दूं? माँ, मेरी बहन थी वो, कोई जानवर नहीं जिसे सड़क पे ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया था। माँ, उसे न्याय तो मिलना चाहिए ना। ये मेघा का फोन रोज चार्ज करने से क्या होगा माँ? कुछ नहीं बदलेगा माँ। अगर मेघा मेरी जगह होती ना तो वो भी यही करती, मेरे लिए आखिरी सांस तक लड़ती। हेलो दिशा, तुमने न्यूज देखी? पुनीत ने सुसाइड कर लिया। क्या क्या हुआ? हालांकि जितनी मुझे पुनीत से हमदर्दी है उतना ही मैं उसे दोषी भी ठहराता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो मेघा से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मेघा पर भरोसा नहीं किया, ना ही कभी मेघा से बात करके सारी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। और वो प्यार ही क्या जहाँ भरोसा ना हो। ऐसा लगता है कि आजकल के युवाओं के लिए बात करने से ज्यादा आसान किसी की जान लेना या अपनी जान दे देना हो गया है। हम लोग अपने ईगो की वजह से बगैर सोचे समझे गलत नतीजों पर पहुंच जाते हैं। यहां दो लोगों की जाने एक ऐसे इशू की वजह से गई जो आसानी से बातचीत करके हल किया जा सकता था। हालांकि जब अपराधी ही नहीं रहा तो फिर अपराध कैसा। लेकिन पुनीत के पिता जैसे रसूखदार लोग दिशा और उसकी मां को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। अब खुश हो? यही चाहती थी ना तुम? एक बेटी तो चली गई और दूसरी बेटी जेल जाए। आंटी आप चिंता मत कीजिए, पुनीत के डैडी ने कंप्लेंट जरूर की है दिशा के खिलाफ, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। वो बिल्कुल सेफ है। हेलो दिशा जी, आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। क्यों? जरूरी काम है। ठीक है। बार बार क्या मजाक लगा रखा है आपने, क्यों बुलाया है? आप प्लीज बैठिए। देखिए आप गलत मत समझिए, हमें आपसे कोई और बात करनी थी। दरअसल हरियाणा के एक पुलिस स्टेशन से हमें फोन आया था, उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है इलीगल सामान के साथ। जब उसको डराया धमकाया तो उसने बताया कि उसने एक मर्डर देखा था। मर्डर? ड्राइवर रुकने वाला था लेकिन वो डर गया कहीं फंस ना जाए,
इसलिए वो वहां से चला गया। हमने जब एक्सीडेंट की डेट, टाइम और जगह की तफ्तीश की, तब मालूम पड़ा कि वो लड़की मेघा ही थी। आई एम सॉरी दिशा जी, हम लोग गलत थे। आपकी बहन का ना तो एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उसने सुसाइड किया था, वो एक मर्डर था। राकेश नहीं मारा है मेघा को, वो ऐसा लड़का है कि नहीं दिशा, राकेश नहीं हो सकता। पुलिस ने तहकीकात की है, वो तो उस रात शहर में था ही नहीं। दिशा, मुझे लगता है हमें उस लड़के के बारे में पता करना चाहिए जिसे आकाश ने उस रात मेघा के साथ देखा था होटल सी हॉर्स के बाहर। वो लड़का कौन था? मां से कितनी बार कहा है मेघा का फोन चार्ज पे मत लगाया करो। हेलो। हेलो मैडम, पैसे कब दे रहे हैं आप मेरे? कौन? क्या मेघा मैडम, भूल गए आप? अरे मैं चंदू बोल रहा हूँ। कौन से पैसे? वही पैसे जो सी हॉर्स होटल में एडवांस दिए थे मैंने आपकी पार्टी के लिए। अब आपकी पार्टी तो हुई नहीं पर मेरे पैसे फंस गए हैं। मेघा मैडम तो नहीं है पर मैं उनकी बहन बोल रही हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सी हॉर्स होटल ये कहाँ पे है? ठीक है जी। जी मैडम को कोई बड़ा सा हॉल बुक करना था किसी बर्थडे पार्टी के लिए। बर्थडे पार्टी के लिए ऐसा हॉल बुक करना था? जी हाँ, शुरू में मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा पर मैडम बता रही थी कि आकाश जी ने इस होटल का नाम बताया उन्हें। आकाश? आकाश जी ने तो भेजा था मैडम को यहाँ पे और मुझे बोला था कि उनकी हेल्प कर देना। पर मुझे तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। पुनीत को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। क्या तुम आकाश को पहले से जानते थे? हाँ हाँ बिल्कुल जानता था। बात कराऊं आपकी अभी? नहीं नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अब तक मैंने जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस पे विश्वास करूं और किस पे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश मेघा से प्यार करता था इसलिए उसने बदला लिया? ये लव ट्रायंगल नहीं हो सकता। आकाश और मेघा, आकाश ने पुनीत और मेघा को मिलवाया था। आकाश को सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, क्रिकेट से। अरे वो तो क्रिकेट का इतना बड़ा दीवाना था कि रात को सोते समय क्रिकेट बॉल के साथ ही सो जाता था। दीदी आओ बैठो। हम कहाँ जा रहे दीदी? सवाल बहुत पूछते, एंजॉय द राइड। Thank you.
ये कौन सा रास्ता? वेरी गुड, तुमने तो रास्ता भी पहचान लिया, अब तो और ज्यादा मजा आएगा। दीदी थोड़ा आराम से। अरे क्यों, मजा नहीं आ रहा? ये क्या कर रहे हो दीदी? कुछ याद आया? 4 साल पहले की वो कार राइड, उस दिन भी पुनीत का बर्थडे था। हाँ, उस दिन पुनीत के साथ गाड़ी में मैं ही था। 4 साल पहले उस एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम? तुम्हारे घर पर उस दिन मैंने तुम्हारे क्लिपिंग्स देखे थे। नेशनल टीम के लिए तुम शॉर्टलिस्ट हुए थे, तुम्हारा नाम काफी चर्चे में था। आकाश ठाकुर उर्फ गुगली, द स्पिन विज़ार्ड। तो तुमने तो कहा उस दिन वो एक्सीडेंट था, पर तुमने क्रिकेट क्यों छोड़ा? उस दिन गाड़ी पुनीत चला रहा था ना? हाँ, और उसे एक खरोश तक नहीं आई। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत का, उस एक्सीडेंट में मेरा कंधा पूरी तरीके से डैमेज हो गया। मेरा कंधा। डॉक्टर्स ने कहा कि मैं अब कभी क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। जानती हो, इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर बन सकता था मैं, पर उस केरला सीडेट की वजह से। चलो एक्सीडेंट के बाद मैंने पुनीत को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पुनीत ने क्या किया? अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर की एज अ कंसोलेशन प्राइज। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब्र करूंगा और सही वक्त का पुनीत के साथ रहकर इंतजार करूंगा। जैसे उसने मेरी लाइफ बर्बाद की, मैं भी उसकी सबसे प्यारी चीज बर्बाद कर दूंगा। फिर धीरे धीरे मैं पुनीत का विश्वास जीतने लगा। पुनीत को मेघा से मैंने ही मिलवाया था, और फिर उन दोनों के बीच में वो राकेश आ गया और मुझे वो मौका मिल गया। मेघा सुनो सुनो रुको, देखो यार तुम पुनीत की बात का बुरा मत माना करो। ओके फाइन, तुम्हें ये सब पसंद है ना, तो फिर जाओ शूट करो। पर कैसे, तुम्हें पता है पुनीत कैसा है ना? पुनीत को हर बार बताना जरूरी है क्या? जाओ ऐश कर। गुगली, you're a savior. What an idea. Thanks, huh? A little chin down. Move your heel and let us see your back. Puneet was a possessive idiot. And Megha, she was a dreamer. Model banna chahti thi wo. Lekin Puneet ne usse Rakesh se hi milne se mana kar diya. कैमरा खरीदना था ना? एक्चुअली तुम्हें पुनीत से ही पूछ लेना चाहिए भाई। अब जिसको गिफ्ट करना है उससे उसकी चॉइस भी तो जान लो। क्या तुम्हें पुनीत को गिफ्ट नहीं करना? तो फिर अच्छा ओके। एंड यू नो व्हाट, मुझे अच्छी तरह पता है मुझे कहाँ होना चाहिए, किसी गाड़ी के नीचे। आई एम डन विद यू। अरे जा जा, तू उसी लायक है।
गाड़ी के नीचे। मेघा, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ ना। पुनीत इज ऑल्सो सॉरी। तुम रोड तो क्रॉस करो, मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ओके? ले जाओ इसे। अफसोस तो इस बात का कि पुनीत बहुत जल्दी मर गया। अभी तो उसे सिसक सिसक के मरना था। जिंदगी भर कोसता रहता अपने आप को मेघा के सुसाइड के लिए। और मेरी बहन, उसका क्या कसूर था? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने नहीं, लेकिन पुनीत ने बिगाड़ा था। सारा कसूर उसी का था। शट अप। माना कि पुनीत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की गलती की, एक्सीडेंट किया, लेकिन तुमने तो सोची समझी साजिश रची, उस बेकसूर लड़की की हत्या कर दी। असली गुनहगार तुम हो मिस्टर आकाश, तुम। तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे। मेघा की हत्या के लिए आकाश को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। बदले की भावना सबसे क्रूर, सबसे कड़वी होती है। अगर आकाश चाहता वो पुनीत के खिलाफ अदालत में लड़ सकता था, जैसा दिशा ने किया, लेकिन नहीं, उसने सबसे घिनौना कदम उठाने का फैसला किया, एक जान लेने की सोची, और अंततः उसने एक नहीं दो जाने ले ली, दो परिवारों को तबाह कर दिया। अंत में यही कहना चाहूंगा कि काश उस रात पुनीत ने खुद को थोड़ा संभाल लिया होता, जरा संयम से काम लिया होता, या फिर वो अपने दोस्त के असली इरादों को पहचान पाता। लेकिन अफसोस, उसने बगैर सोचे समझे इतना खतरनाक कदम उठा लिया। उम्मीद यही करता हूं कि आज की युवा पीढ़ी तैश में कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा सा ही सही पर सोचे जरूर। सावधान इंडिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो फाइट बैक नाउ।